आप देख रहे हैं आरबीएस मोइन स्टोरीज। मैं हूं आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती। हाजिर हूं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आरबीएस मोइन स्टोरीज पर मैं आपको ऐसी कहानियां दिखाता हूं, ऐसे लोगों से मिलाता हूं, ऐसे कामों से आपका परिचय करवाता हूं, ऐसे काम जो ज़िंदगी में आपके आसपास घट रहे हैं पर आपको उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। ऐसे लोग जो चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं और उनके काम से पूरी दुनिया को फ़ायदा पहुँच रहा होता है। ऐसे ही एक शख्स है मेरे साथ, जोधपुर में रहने वाले प्रोफेसर राजेंद्र तातेड़। राजेंद्र तातेड़ का भी एक ऐसा काम है जिससे उन्होंने अब तक लाखों लोगों का जीवन बचाने में मददगार की भूमिका निभाई है। राजेंद्र तातेड़ जी क्या करते हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से रूबरू होते हैं। मैं राजेंद्र तातेड़ मेडिकल कॉलेज में सन 1970 से 2006 तक प्रिवेंट एंड सोशल मेडिसिन में अध्यापन किया जोधपुर मेडिकल कॉलेज में। 2014 के अंदर मेरे बड़ा पुत्र शैलेश तातेड़ की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई थी पूना के अंदर। शैलेश ऑफिस से घर आ रहा था और घर आने के बाद के अंदर जब वो ऊपर चढ़ा, मकान के ऊपर चढ़ा और चढ़ने के बाद पलंग पे बैठा, पलंग पे बैठते उसकी सांस एकदम गैस्पिंग, मतलब उसका इतना सांस तेज हो गई और उसके बाद के अंदर नीचे गिर गिर वहीं पर ख़त्म हो गया। उसकी बीवी पास में खड़ी थी, उसने उसको बगल वालों को बुलाया और बुला करके लोगों सीधा उसका अस्पताल ले गए। अस्पताल जो कि नज़दीक था, वहाँ पर भी डॉक्टरों ने न CPR दिया न AED लगाया, जबकि बहुत बड़ा अस्पताल था, प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की इसमें चेष्टा तक नहीं की कि इसको CPR या AED लगाया जाए। शायद लगाया जाता क्योंकि बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम समय के अंदर वो पहुंच गए थे, विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स में पहुंच गए थे। हो सकता है यदि उसको दे दिया होता तो आज वो मेरे बीच में होता। और उसके बाद के अंदर मेरा पुत्र डॉक्टर अभिषेक तातेड़ जो मेडिपल्स में सीनियर कंसल्टेंट है, उसने कहा पापा कार्डियक अरेस्ट से लोग रोजाना मरते हैं, आप खुद ही देख रहे हो क्योंकि मेडिकल कॉलेज आप 35 साल से आपने पढ़ाया है, आपको पता है कि किस प्रकार से लोग इससे मर रहे हैं और अपना भी इससे मरा। लोगों को बचाने के लिए लोगों को अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, CPR क्या होता है, कैसे दिया जाता है, किस तरह किया जाता है, किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि जो है लोगों को ये भी पता नहीं कि इस पानी में डूबने वाले को भी बचाया जा सकता है, बिजली के करंट लगने वाले पीड़ित को भी बचाया जा सकता है, तो आप इस मुहिम को क्यों नहीं चालू करते। तो 2014 के अंदर मैंने इस मुहिम को चालू किया और मैंने जगह जगह जहाँ जहाँ पर भी खुद जाता, लोगों को प्रेरित करता, अवेयर करता, जागरूक करता और लोगों को बताता कि CPR, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा रोग है, एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक मिनट का भी समय नहीं मिलता है कि वह किसी का उपचार कर सके, क्योंकि इसका उपचार केवल CPR है, इसके अलावा कोई दूसरा कोई उपचार नहीं है। इसलिए मैंने CPR की मैंने मुहिम चालू की। इसका नतीजा ये निकला कि जोधपुर के अंदर संभाग के अंदर 15 व्यक्तियों ने CPR दे करके व्यक्ति की जान बचा दी, कम से कम 15 व्यक्तियों की जान बच गई जिसका जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, बाकी जहां मुझे नहीं मिली है उसका मुझे पता नहीं। हालांकि अंदर में बिल्कुल मैं डूबा हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि कम से कम 15 व्यक्तियों के परिवार को एक प्रकार से नई जान, एक नई स्फूर्ति दे दी है मैंने। और आज लोग बाग इसको लेकर के भी जबरदस्त रूप से इसकी बड़ी CPR की बहुत ही तारीफ करते हैं, बहुत से लोग बाग इसमें जुड़े हुए हैं और बहुत से फॉलोअर भी इसमें, अब फेसबुक में मैं फेसबुक पर भी देता हूँ, इसमें क्या व्हाट्सएप पर देता हूँ। मैं डॉक्टर अभिषेक तातेड़ फिजिशियन मेडिपल्स हॉस्पिटल जोधपुर में कार्यरत हूँ। पिछले 18 वर्षों से मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। 2014 में मेरे बड़े भाई का देहांत हो गया था सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से। उसके बाद मैंने और मेरे पिताजी राजेंद्र तातेड़ जो रिटायर्ड प्रोफेसर है SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर से, हम दोनों ने जोधपुर के अंदर ये एक CPR मुहिम शुरू करी जिसमें हम लोगों को अवेयर करते हैं CPR क्या चीज़ है, कैसे दिया जाता है और किन परिस्थितियों में दिया जाता है। मैं 3 प्रकार की मुहिम बताता हूँ। एक तो ये है कि CPR एडल्ट को कैसे दिया जाता है, एक CPR 1 से लेकर के 8-12 साल तक के बच्चे को कैसे दिया जाता है और एक जन्म से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को CPR कैसे दिया जा सकता है, ये मैं बताता हूँ उनको। उसके बाद के अंदर मैं बताता हूँ इनको कि किस प्रकार से, क्योंकि लोगों को यह भी पता नहीं कि हार्ट कहाँ है,
लोबाग बाई तरफ हार्ट बताते, सब लोग बाग ये अपने मसल्स के ऊपर बताते हैं, फसलों के ऊपर बताते हैं, तो जब उनको बताते हो आपका हार्ट यहाँ है, और ज़्यादातर लोग बाग कहते हैं सर हमने CPR दिया या हार्ट पंपिंग की, लेकिन वो हार्ट पंपिंग क्या करता है कि लेफ्ट साइड के अंदर इसको छाती को दबाते हैं, और दबाते क्या एक तरह से समझिए कि एक से बड़ा स्लोली और धीरे धीरे दबाते हैं, ऐसे नहीं कि फसलें टूट जाए। इसलिए जो है लोगों को जब पता लगता है कि CPR आपको इस स्टर्नम के ऊपर देना है, एक मिनट के अंदर 100 से 110 बार देना है, तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं। और इसके जब लोगों को इस प्रकार से जब लोगों को मैंने लगभग 5 लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूँ, और मैं ग्रुप में देता हूँ, ये नहीं कि 100-200 के, 40-40 के ग्रुप में, 30-40 के ग्रुप में देता हूँ, और इंडिविजुअल व्यक्ति को डम्मी के ऊपर प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसका नतीजा ये निकला कि और इसमें मैं कम से कम 5,000 लोग तो फॉलोअर जो मुझे नज़र आ रहे हैं, बाकी भी और लाभ आ गया, लेकिन जोधपुर के अंदर आज हर व्यक्ति के काफ़ी हद तक लोगों इतनी ज़बरदस्त जागरूकता हो गई है कि CPR का नाम लेते राजेंद्र तातेड़ का नाम लेते, और मैं राजेंद्र तातेड़ CPR के नाम से मैं आजकल जानने लग गया। CPR हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका फुल फॉर्म है कार्डियो पल्मोनरी रीससकीटेशन। कार्डियो यानी कार्डिक यानी हार्ट, पल्मोनरी यानी लंग्स, रीससकीटेशन यानी उसको वापस पुनर्जीवित करवाना। इसकी ज़रूरत जब पड़ती है, जब हार्ट एकदम काम करना बंद कर जाता है, फेफड़ों में ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता है, और पेशेंट एकदम बेहोश हो जाता है या कोलैप्स हो जाता है। इनिशियल लेवल पे तो वो अर्धचेतन अवस्था होती है, लेकिन अगर कुछ ही सेकंड्स में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिले तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसको हम क्लिनिकल डेथ बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया इसको जो प्रोसेस है उसको हम CPR कहते हैं। जनरली ये आज तक जो देखा गया है, लोगों ने इसको फिल्मों में ही देखा है जहाँ पे ये CPR देते हुए बताया जाता है, बट हमारे काफ़ी प्रयासों से उसके बाद में दूसरी एसोसिएशन ने भी से अब आम जनता में जागरूकता आई है, और CPR के बारे में वो समझने लग गए हैं CPR क्या चीज़ है। CPR एक प्रक्रिया है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो हार्ट एकदम बंद हो चुका है उसको एक्सटर्नल दबाव से, कंप्रेशन से वो वापस शुरू हो सके, और इस दरमियान माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दिया जाता है ताकि बॉडी में जो ऑक्सीजन अभी नहीं पहुंच पा रही है वो ऑक्सीजन पहुंच पाए, और हार्ट का जो काम है, जो हार्ट अपने पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, उसको बाहरी दबाव से, कंप्रेशन से हम ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में दे सकें, स्पेशली ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन अगर डेड हो गया तो फिर वो पेशेंट वापस रिवाइव भी हो गया तो वो वेजिटेटिव स्टेट में हो जाता है। तो इसलिए हम कंप्रेशन देते हैं और माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, ताकि ऑक्सीजन स्पेशली ब्रेन तक पहुंच पाए। हार्ट अटैक एक आम भाषा में जिसको बोलते हैं हार्ट अटैक आना या हृदय गति होना, ये एक ऑक्सीजन सप्लाई या खून का थक्का जमना हार्ट की ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसमें एकदम हार्ट की ब्लड वेसल्स में खून का दबाव कम होता है, उसकी वजह से कुछ पार्ट जो हार्ट का होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें पेशेंट्स को पेन होगा, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पसीना आएगा, तो ये सिम्टम्स के साथ पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। कई बार डायबिटिक पेशेंट्स में से, जिसको हम साइलेंट हार्ट अटैक भी आता है उनमें, तो उनमें पेशेंट में पेन नहीं होगा लेकिन बाकी सिम्टम्स काफ़ी हद तक होते हैं। इसमें और सडन कार्डिक अरेस्ट में डिफरेंस है। सडन कार्डिक अरेस्ट में पेशेंट जो अच्छा भला बैठा है उसको कोई सिम्टम नहीं होता है पहला है, और एकदम से वो सीधा कोलैप्स हो जाता है। उसको इतना मौका भी नहीं मिलता कि वो अपना एक्सप्रेशन दे पाए, उसकी अपनी तकलीफ बता पाए। और मेडिकली टर्मिनोलॉजी में कार्डिक अरेस्ट का जो रीज़न है, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई एकदम से शॉर्ट सर्किट बोल सकते हैं, तो उसी तरह से हार्ट की जो नर्व सप्लाई है वो एकदम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है, जो अल्टीमेटली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट होता है। ये दो टर्मिनोलॉजी से हम कोरिलेट करते हैं, जिसमें हार्ट एकदम 130-160 की रेट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो ऐसे फड़फड़ाता है ना कि ऐसे दबाता है। तो जैसे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंच पाती है ब्रेन में, और पेशेंट या व्यक्ति एकदम ऑक्सीजन की कमी से सीधा ज़मीन पे गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। जबकि हार्ट अटैक के अंदर पेशेंट कॉन्शियस होगा, बोलेगा, पेन की कंप्लेन करेगा, छाती में दर्द, जबाव दबाव, जकड़न, इसकी कंप्लेन करेगा, और कई बार ये हार्ट अटैक 2-3 दिन तक भी चलता है, जिसमें पेशेंट को
हमारे पास डॉक्टर्स तक पहुंचता है, हम ECG करते हैं, बाकी टेस्ट करते हैं और बोलते हैं आपको हार्ट अटैक चल रहा है पिछले 3 दिन से, पर पेशेंट कंफर्टेबल होता है और वो कुछ दबाव की वजह से या कंप्लेन की वजह से हॉस्पिटल पहुंचता है। तो जनरली हार्ट अटैक वाले पेशेंट हॉस्पिटल तक पहुँच पाते हैं और कार्डियक अरेस्ट वाले हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते, घर पर ही ऑफिस में राह चलते हुए कहीं पर भी उनकी डेथ हो जाती है। मैंने सरकारी अर्ध सरकारी जितनी भी स्कूल हैं, जितनी भी ऑफिसेज हैं, सबको मैंने जा करके दिया है, जाति के जो संगठन हैं उनको भी दिया है, मोहल्लों में जा करके दिया है, सड़क पे बैठ करके दिया है, यहाँ बड़े बड़े मेले लगते हैं, उन मेलों में भी मैंने वहाँ पर 15-15 दिन तक मेले जो चलते हैं उसके अंदर भी मैंने बराबर सवेरे से शाम तक मैंने इसकी सेवा दिया। और मेरे साथ के अंदर 4 व्यक्ति जुड़े हैं जो कि विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी के, और चारों विद्यार्थी जो है, जैसे वैभव है, वैभव अग्रवाल है, नमन बंसाली है, एक सरस्वती है, यूँ करके 4 व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो हर वक्त मेरे साथ में जुड़े रहते हैं, जहाँ भी जाओ अपना स्कूल कॉलेज छोड़ करके भी वो इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग देते हैं। पानी से डूबने वाला व्यक्ति आधा घंटा पानी में डूब गया, डूबी रही, उसको भी CPR के माध्यम से जिंदा किया, जिसका कि बड़ा वाइड कवरेज प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छा कवरेज भी किया। जो पूछता हूँ मैं लोगों को कि आपने कभी CPR दिया है या किसी को देते देखा है, तो सबसे पहले तो उनको कहता हूँ देते देखा तो बताइए आपने कैसे देखा है। तो वो लोग फिल्मों के माध्यम से जो देखा है, कुछ लोगों ने अस्पताल के अंदर, चूँकि डॉक्टर की पीठ होती है और उनका उधर होता तो पता नहीं लगता उनके साथ कैसे दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे दिया ये बताने की चेष्टा करते हैं और उसी को वापस में करेक्ट करता हूँ। ये जो हड्डी आप देख रहे हैं, ये हड्डी, इस हड्डी के नीचे ही हार्ट होता है, इस हड्डी के नीचे हार्ट होता है और इसके नीचे लंग्स होते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने गिर गया है, गिरते आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है कि आपके सामने बातचीत कर रहा था, खाना खा रहा था, सब कुछ कर रहा था, हेलन हार्ट था, तो मतलब हो गया उसके अंदर उसका हार्ट बंद हो गया है, उसका कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक नहीं हुआ है। आप इमीडिएटली बिना कुछ नागा किए 1 मिनट के अंदर आपको पता करना है कि व्यक्ति मर गया या जिंदा है। कैसा पता करेंगे? तो जैसे नीचे गिरा आप इसकी जहाँ यहाँ से जिसकी इसकी यहाँ से कंधे थपथपाई आप जोर से और जो बोले क्या हो गया, अरे क्या हो गया, नाम लेके बोलिए क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, यदि कुछ होगा तो रिस्पॉन्स देगा। या अपने कान वहाँ इसकी छाती के ऊपर ले जा करके खोल दीजिए, इसको जमीन पे लिटाना है, पलंग पे नहीं, गद्दे पे नहीं, जमीन पे लिटाना है, चित्त लिटाना है और कान लगा के देखिए इसकी सांस चल रही है जब तो ठीक, नहीं तो इमीडिएटली क्या करना आपको, इस हड्डी को जो आप कह रहे थे, इस हड्डी को, इसको बोलते हैं स्टर्नम, इस स्टर्नम को दबाना है 100 से 110 बार 1 मिनट के अंदर, 100 से 110 बार इस स्टर्नम को ही दबाना है। अब आपने जो करे लोबा क्या करते हैं, इधर आते हैं, जबकि इधर इसके नीचे क्या है, ये इसके नीचे क्या है, ये आपकी फसली है और फसली में कुछ नहीं है, आप दबा सकते भले कुछ भी कर दीजिए लेकिन व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के इस निप या आपके कपड़े उतार दीजिए, उसको खोल दीजिए आप, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई बात नहीं इसके अंदर। और ये जो निप्पल है, निप्पल के बीच में आप ये वाला हाथ, ये जो आपको गुदा देख रहे हैं, ये वाला, इस वालों को इस हड्डी के ऊपर, दोनों निप्पल के बीच, हड्डी तो लंबी है ये, इस हड्डी के ऊपर आपको यूं रखना है और दूसरे हाथ की उंगलियों को इसमें फंसा देना है और इस बॉडी को कभी भी यूं लेके नहीं बैठना है या यूं लेके नहीं बैठना है, आपको बाकायदा जो है घुटनों के बल बैठना है, कमर सीधी करके बैठना है और इसके अंदर आपको आपका लाइन खींच लीजिए और जहां आपको हड्डी नजर आ जाए बड़ी लंबी वाली, वहां हाथ रख दीजिए, उंगलियों को इसे फंसा दीजिए और कोई नहीं बिल्कुल सीधी आप अपना वजन इसके ऊपर डाल दीजिए। जैसे ही वजन डालेंगे तो आधे तो आपको इसके वैसे ही दब गया ये, और ये हड्डी जो आप कहते हैं इसके अंदर बहुत कठोर हड्डी है, इसी पर लोबाग स्टंट करते हैं, ट्रक चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टंट करते रहते हैं, इस हड्डी को ही आपको जो 2 इंच नीचे दबानी है, कितने इंच, 2 इंच, और 2 इंच जब तक जैसे आप दबाएंगे, देखिए आप आ जा रही है ये देखिए, और हाथ को ऊपर लेना है, ऊपर लेने से क्या होगा, लंग्स के अंदर इसमें जो है ऑक्सीजन भरेगा और हार्ट के अंदर ब्लड, तो जैसे आप ऊपर लेंगे, ऊपर लेने के बाद पूरा फुल हो जाएगा, रिकॉइल हो जाएगा और आप इसको दबाइए, देखिए जैसे आटा गूंथते इस तरह से आपको करना है
और दबाते जाना, उंगली खुली और इसका दबाइए। इसके ऊपर कहाँ से, यहाँ से दबाना है, यहाँ से नहीं। आप दबाते जाइए 100 से 110 बार गिनती गिनी, 1 2 3 4 मन में गिनते जाइए। यदि आप 90 बार गिना और आपने छोड़ दिया, व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। 110 बार, 100 से 110 बार यदि करेंगे, जैसे आपने करना चालू किया, यहाँ से क्या हो गया, छाती दबी, ऑक्सीजन लंग्स दबा, जैसे हड्डी के नीचे लंग्स दबा, ऑक्सीजन छोड़ेगा और हार्ट जो है सीधा यहाँ से जो है पंप करना चालू कर देगा, आर्टिफिशियल पंप करके जैसे मस्तिष्क में जाएगा और वो जिंदा हो जाएगा। लेकिन ये क्रिया कब करनी है, मौत के जैसे आप जैसे नीचे बेहोश हुआ उसके 1 मिनट तो आपको पता करने में और 3 से 10 मिनट के बीच में जितना जल्दी हो सके आपको पंप शुरू करना है। आपको इंतजार नहीं करना है कि लोबाग मुझे क्या कहेंगे, जिंदा नहीं हुआ तो मैं लोबाग क्या कहेंगे, कुछ नहीं। CPR का नाम लेते सब आपको ना माफ हो जाएगा। तो CPR ऐसी चीज़ है, आप दबाते जाइए और जैसे आप इसमें करेंगे इसके बाद में इसका, लेकिन जो आपने डिले किया, 1-1 मिनट डिले किया, तो मन समझे इसकी जो जिंदा होने की चांसेस खत्म होते जाएंगे। ये है CPR। CPR मतलब कार्डियो, बोलिए मेरे साथ में, पल्मोनरी रिससिटेशन। एडल्ट के लिए क्या करेंगे, अपन 2 हाथ का इस्तेमाल करेंगे और इसके गर्दन अपन ऊंची कर सकते हैं, ऐसी बात है, ताकि एयर चब बना रहे इसके अंदर। लेकिन जिस कार्डियक अरेस्ट है उसको मुंह से सांस आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना, इसके अंदर पहली बात तो मुंह से सांस देना आता ही नहीं है, फिर इसके बाद इसकी टेक्निक भी 30 बार फिर मुंह से सांस, 30 बार फिर मुंह से सांस, जो आपसे देना नहीं आता है तो क्या हो गया, टाइम वेस्ट होगा। इसको कहते हैं हैंड्स ओनली CPR। आप दबाते जाएंगे आपका ये व्यक्ति जहाँ से जाएगा आप इसके अंदर जिंदा हो जाएगा। तो ये हुआ CPR, जिसे कहते हैं हैंड्स ओनली CPR, इसका नाम है, या लोकल भाषा में इसको हार्ट पंपिंग भी कहते हैं। 2 इंच हड्डी को दबाना है तो पहली बार में हमें ज्यादा जोर से दबाना चाहिए, नहीं बराबर कंटिन्यू वैसे एक लगातार सेम जो आपने जैसे माना छोड़ दिया, तो जो ब्लड ऊपर जा रहा है मस्तिष्क के बाद नीचे आ जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जैसे ही आपने ऊपर किया, आप जैसे रुक गए, रुकते क्या हो गया, ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कॉन्स्टेंटली जाएगा और जैसे ही मस्तिष्क में रक्त पहुंचते ही आंखें खोल देगा, आपको कुछ अपना पता लग जाएगा और इसके बाद तुरंत आप जो इसको अस्पताल लेके चले जाइए। जब तक आपने जैसे चालू किया, एक व्यक्ति को कह दिया एम्बुलेंस बुला ले, एम्बुलेंस बुलाने तक ही खड़ी रहेगी, कोई व्यक्ति आ जाए, रिसोर्स पर्सन आ जाए, बढ़िया इसमें एक्सपर्ट आ जाए तो उसको दे दीजिए, नहीं तो आप इसको करते 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 भले आप अस्पताल भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है किसी तरह से। ये हुई बात एडल्ट की, जो एक से एवरी प्रेशर नीचे की तरफ जाना चाहिए या वो प्रेशर वापस ऊपर आके नीचे जाएगा। इसमें कंप्रेशन तो देना है पर हाथ को रिलीज करना है वापस, ताकि यहाँ से जगह से हटाना नहीं है हाथ। प्रेशर दिया, रिलीज कर दिया, हार्ट रिकॉइल हुई, लंग्स वापस प्रेश किया, वापस रिकॉइल हुई। इधर आओ, पर आओ इधर, छोड़ना नहीं है, जगह हटानी नहीं है। बैठो करो, आप भी आ जाओ, एक दिन आ जाओ इधर, आ जाइए आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उंगली खुली रखो, उंगली खुली रखो, और कोई सीधी, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नजदीक है जमीन इसके, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अब इसके ऊपर झुक जाओ, बॉडी के ऊपर झुक जाओ, हाँ दोनों निप्पल के बीच में यहाँ पे ये हाथ ऐसे रख के, और वापस इसको रिकॉइल अपने आप होगा। जैसे ही वो कॉन्शियस हो जाता है वो खुद अपने आप हाथ इकट्ठे कर लेगा, पैर इकट्ठे कर लेगा, फिर नहीं करना है। कॉन्शियसनेस आते ही उसको फिर बंद करना है और तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाना है। कौन है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाओ, हाँ अब झुक जाओ इसके ऊपर, कोई नहीं बिल्कुल सीधी, हाँ झुक जाओ इसके, हाँ झुक जाओ, हाँ और तेज दबाओ, लाइट आनी चाहिए, और ये रेड लाइट आनी, ग्रीन लाइट आनी चाहिए, नहीं आ रही है, दबाओ जोर से, और जाने चाहिए, और जाने चाहिए, हाँ ठीक है। अब यह है बच्चों के लिए, 1 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा, मतलब 13 महीने से, उसके लिए क्या करेंगे अपन, उसके लिए भी जब कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसका भी कार्डियक अरेस्ट होता है, उसको अपन एक हाथ से इस्तेमाल करेंगे, एक हाथ इसको जेंटली या तो यहाँ रख देंगे या जमीन पर रख देंगे और एक हाथ से इसको दबाएंगे। स्पीड वही होगी 100 से 110 दबते 1 मिनट के अंदर, पर मिनट 1 मिनट में, और हो जाएगा कोई बात, आप गिनते रहेंगे 1 2 3 करते रहेंगे,
जैसे आप करते रहेंगे 110, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आपका जो है वही वही सिस्टम रहेगा, मुंह से सांस नहीं देना है और आपको करते जाना करते जाना करते जाना। मुंह से सांस नहीं देने का रीज़न ये है कि वो प्रेसिस टाइम लॉस नहीं हो, सर्कुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन रेस्पिरेशन। सर्कुलेशन होगा, रेस्पिरेशन तो अपने आप ले लेगा क्योंकि हवा वैक्यूम क्रिएट होता है, हवा वापस अंदर आ जाएगी। सर्कुलेशन ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए रेस्पिरेशन कम मना है। अब जैसे ये मैं या डॉक्टर साहब हैं, मान लो सपोज करो, या हॉस्पिटल के अंदर है, तो वो क्या करेंगे, कार्डिक अरेस्ट वाले को 30 बार छाती दबाएंगे गिनती से, और फिर इसके बाद के अंदर क्या करेंगे, इसको सीधा लेंगे, हाथ अपने चिन के नीचे, नाक बंद, और इसको इसको करते हुए मुंह से मुंह चिपकाएंगे और तीन बार एक एक सेकंड के लिए, और फिर 30 बार, फिर 30, तीन बार, फिर 30 बार। ये कौन करेगा, अस्पताल के अंदर या डॉक्टर्स जो जिसका ट्रेंड व्यक्ति है, टाइमिंग में जो जो टाइमिंग, और दो पर्सन इसमें इन्वॉल्व होंगे, दो पर्सन होंगे, एक तो मुंह से सांस देगा, एक यहाँ पर करेगा, वो रुक जाएगा 30 बार करके, वो मुंह से सांस देने वाला दूसरा होगा, ये करेगा, ये स्वीकार का, ये किसमें करते हैं, जो व्यक्ति ट्रेंड व्यक्ति हैं वो व्यक्ति करेंगे, लेकिन आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इसमें, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे ग्रामीण, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति CPR दे सकता है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट या डॉक्टरी की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति पास में खड़ा है वो व्यक्ति उस वक्त भगवान है, देवता है, वही फरिश्ता है, और वही व्यक्ति उसको जीवित कर सकता है। आप किसी को बुलाओगे तब तक संबंध निकल जाएगा, क्योंकि 3 से 10 मिनट के बीच में इसको देना है। अब इसके बाद के अंदर बच्चा, सपोज कीजिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी जो है कार्डिक अरेस्ट होता है उसका भी, जन्मते वगैरह का भी, तो उसका क्या नीला पीला पड़ के आप देखा होगा उसके अंदर, तो क्या करेंगे इसके अंदर, इसको टेबल पे लेंगे, इसको जमीन पे नहीं लेंगे, टेबल पे लेकर के क्या करेंगे इसके अंदर, या इसको ऐसे ले लेंगे, है ना, इसको ऐसे ले लेंगे, जो जन्मता बच्चा है छोटा, इसको ले, इसकी हड्डी को ही दोनों अंगूठे से क्या करेंगे, उसको दबाएंगे, क्या करेंगे, इसको दबाएंगे वही 100 से 110 बार, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे इसको भी, और करते जाएंगे, ये इस प्रकार का है, और नहीं तो टेबल पे ले लिया, टेबल पे लेने के बाद के अंदर दो उंगली आके इसी हड्डी के ऊपर आपने दबाते दो 100 से 110 बार, दबाते, रुकना नहीं है बिल्कुल ही, कोई सूरत में किसी को रुकना नहीं है, जैसे ही देखा कि इसके अंदर सांस आ गई है आप रुक जाइए और देखिए, फिर देख आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं वापस चला जाओ उसके अंदर, और ध्यान रखते रखते इसको अस्पताल लेके चले जाइए। अब यदि मान लिया जाए एक आदमी टांके में गिर गया, तालाब में गिर गया, और आपने उसको निकाल लिया, चाहे 20 मिनट हो, चाहे आधा घंटा हो, जो कुछ भी हो, क्योंकि ये तो मान के चले गया वो, लेकिन अपने को प्रयास के लिए, CPR एक प्रयास है जिंदा करने का, यह कोई दवाई नहीं है, एक प्रयास है, अपन प्रयास कर सके, अपनी कोशिश करते हैं और भगवान इसका साथ देता है, जो प्रयास करता है उसको सदैव भगवान साथ देता है। आप लोबा क्या करते हैं, उन्होंने क्या करते हैं, इसको निकाला पानी से और इसको उल्टा करते हैं या इसको यूँ घुमाते हैं, अभी थोड़ा दिन पहले अखबार में आया तो उसको इसको उल्टा कर दिया, पेड़ के पान दिया और उसको झुला दे रहे हैं, ये नहीं करना है। इसकी मौत कैसे हुई, इसके लंग्स के अंदर पानी चला गया, और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसके अंदर, इसको भी जमीन बाहर निकाला, सेफ जगह पर रख दिया, और इसके बाद के इसको गर्दन ऊंची कर दी, और उसके इसके मुंह में डाल के देखा कि कहीं कोई चीज़ मिट्टी या कुछ फंस तो नहीं गई है, ताकि सांस की नली की अवरुद्ध नहीं हो जाए, तो अपन इसको उंगली डाल के इसको साफ कर लिया, कपड़ा लिया साफ कर लिया, उस वक्त कपड़ा कोई भी दिक्कत नहीं आया आपका, जैसा कैसा भी है कोई फर्क नहीं पड़ने का, इन्फेक्शन होगा तो बाद में निपटते रहेंगे डॉग, लेकिन अभी तो अपने उसको जिंदा करना है। जैसे लिटा दिया, लिटाने के बाद के अंदर आपने क्या किया, इसको वही जो ही जगह सेम, किसको क्या बोलते हैं, इस हड्डी को क्या बोलते हैं, स्टर्नम, क्या बोलते हैं, स्टर्नम, इस स्टर्नम को 30 बार दबाएंगे, दबाया 30 बार दबाने के बाद के अंदर जो व्यक्ति जैसे बंद करेगा, दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है वो इसको, यदि नहीं है तो वही मजबूरी करेगा, तो क्या करेगा, नाक बंद करेगा इसका, गर्दन ऊंची करेगा
नाक बंद करेगा और यहाँ पर इसकी जो है ठुड्डी के नीचे हाथ रखेगा और इसको थोड़ा मुंह से इसको चौड़ा कर देगा और होठ से और चिपका करके वही एक एक सेकंड के लिए 3 बार। या देखना आप, यहाँ क्या करना है, अपना गुब्बारा फुलाना है, फूंक नहीं देनी है। डिफरेंस है फूंक देना और गुब्बारा फुलाना। गुब्बारा जैसा फुलाते हैं तो क्या करते हैं, छोटा करके करते हैं, इसी तरह से इसको भी छोटा करके इस गुब्बारे को फुलाना है। तो 30 बार दबाया, 30 बार दबाने के बाद के अंदर 2 बार मुंह से इसको, 3 बार इसको एक एक सेकंड के लिए 3 बार सांस दिया। अब क्या हो गया, जैसे आपने दबाया, दबाते पानी निकलना चालू हो जाएगा। और आपको खाली क्या करना है, पेट में पानी पड़ा आपने कोई दिक्कत नहीं है, खाली करनी है अपनी चेस्ट। जैसे पानी निकलना चालू हुआ मुँह से निकल जाएगा, नहीं तो जैसे हो तो इसको मुँह ऐसे टेढ़ा कर दो, इसको आप इसको ऐसे कर दो, आप इसको थोड़ा यूँ कर दो, पानी निकल रहा हो तो इसका यूँ कर दो। फिर कर दिया, फिर दबाया, फिर 30 बार, फिर 30 बार, 30 बार आप दबाते रहो, दबाते रहो, पानी निकलता रहेगा। और जैसे ही यहाँ से आपने जो ऑक्सीजन दे रहे हो वो ऑक्सीजन मस्तिष्क में जाएगा, व्यक्ति मस्तिष्क मिलते ही चालू हो जाएगा। अब इसके बाद के अंदर एक और है, अभी आप देखें, एक मैंने वीडियो अभी भेजा है, वीडियो एक बच्चा आ रहा था पोल के पास में, एकदम टकरा गया और एकदम जल गया, एकदम झुलस गया वो और मौत हो गई। किसे, बिजली के करंट से। अब बिजली के करंट से लोग मान के चलते सीधा अस्पताल तो लेके जाना ही नहीं है ऐसे लोगों को, क्योंकि पता है इसके अंदर मौत हो चुकी है या हो रही है। ऐसे व्यक्ति को क्या करते हैं, वहाँ से सेफली आपको छुड़ाना आता हो बिजली के करंट से तो जाना नहीं, तो मन नहीं जाना, आपको फंसना नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आपको नहीं फंसना है कि जैसा नहीं आप गए और आप भी फंस गए, नहीं आपको चिपकना नहीं है, आता है तो जाओ नहीं तो मत जाओ। तो आपने छुड़ा लिया, छोड़े बाद उसको सेफ जगह ले आए, लाने के बाद इसको खोल दिया और इसके बाद के अंदर क्या करोगे आप, आपने चेक किया, वही चेक तो पहले करना है, चेक पानी में हो चाहे किसी में हो, कि व्यक्ति की मौत होगी कि नहीं होगी एक मिनट के अंदर, आपको चेक तो करना ही करना है। उसके बाद के देखा नहीं है, आप इसको इसी हड्डी के ऊपर क्या करो, आप जोर से झटका, जोर से झटका दो, झटका देते क्या हो गया, हो सकता है उसी आपने से चालू हो जाए। क्योंकि जैसे ही आपका बिजली का करंट लगा करते ही आपका हार्ट बंद हो गया, तो बंद होती है, आप देखें ना, आप झटका मार के अपन करते हैं, तो जैसे ही आपने झटका मारा, झटका मारते जिंदा हो, जिंदा हो सकता है, नहीं तो फिर क्या करना है आपको, 30 बार छाती दबानी है। कितनी बार, 30 बार और 2 बार मुँह से, 3 बार मुँह से सांस देना है, 30 बार 2 बार, 30 बार 2 बार, जब तक जिंदा, आपको आस नहीं छोड़नी है, चाहे आधा घंटा हो जाए, 20 मिनट हो जाए, 15 मिनट हो जाए, चिंता नहीं करनी आपको, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे है। अब लोग क्या करते हैं, अरे गया 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 गया, अरे गया इसका गया गया, उसको पूछो, आपको तो मेहनत जब कर लेगा तो उसको पूरे लग जाओ उसके ऊपर, आपको करो उसके ऊपर, चाहे 10 मिनट, जब तक पसीना पसीना नहीं होगा तब तक आया, एक दो फसलें नहीं टूटेगी तो आप समझो CPR दिए ही नहीं है। आपको तो पूरा CPR देना है इसके अंदर देकर के, और आपको इसको जो है जिंदा करना है, आपको चाहे 10 मिनट लगे चाहे 15 मिनट लगे। अब देखा एथलेटिक्स होता है ना, अब देखो कितने तेज दौड़ते हैं वो लोग, हार्ट बीट कितनी तेज होती है, और वहीं पर गिर गए खत्म हो गया। तो एथलीट्स के दूसरे एथलीट क्या करता है, इमीडिएटली देते हैं, आधा आधा घंटा तक दिया लोग जिंदा हुए, ऐसी बात नहीं, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है लोग, अरे क्या ये तो यूँ ही है। जब मैं बात करता हूँ लोगों से, अरे डॉक्टर साहब तो यूँ करते हैं यार, जो समझ गया वो तो बोलेगा, नहीं समझने वाला छोड़ो यार, क्या है कुछ नहीं करके। अब एक चीज़ और है लास्ट के अंदर, आप खाना खा रहे हो और खाते खाते आपने देखा कोई चीज़ गले में अटक गई और ऐसी अटक गई, इसके अंदर आपको सांस लेना दुभर हो रहा है और आप कुछ नहीं हो रहा था, आप सीधा यूँ पकड़ यूँ खड़े हो रहा था, और ऐसी हालत होती है आपकी कि सांस नहीं आने की वजह से दम घुट रहा आपका पूरा पूरा, तो ये साइन है दम घुटने का। जैसे दम घुट गया आपका, अब घुटने के बाद के ना आपको जो है नहीं हुआ तो सीधा आप तो गए। अब जैसे मैं बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको पूछेगा तो आपका क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बोल तो नहीं पाएगा, तो अपन उसको पूछेंगे दम घुट रहा है, मुंडी हिलाएगा, मुंडी हिलाते समझिए कि उसका दम घुट रहा है। आपको क्या करना है, इमीडिएटली इसको इमीडिएटली बिना कुछ इसके किए सीधा इसका आपके इसकी जो नाभि है इस नाभि के ऊपर अपना ये अंगूठा हाथ ले जाइए आप और इससे रख लीजिए आप, और दूसरे हाथ को पकड़ लीजिए, जबरदस्त पकड़ लीजिए इसको जोरदार कट्ठे, थोड़ा नीचे झुकिए, और नीचे झुकने के बाद के अंदर इस हाथ को
अंदर की तरफ दो चक्कर, जितना ज्यादा तेज दोगे, चार पांच जितनी बार, जब तक इसको उल्टे नहीं हो जाए, जब तक आपको देते जाना है, देते जाना है, देते जाना है। हुआ कुछ अभी? मतलब हाँ, प्रेशर आता है, आ रहा है ना, तो जैसे आपको होगा उल्टे होकर के बाहर आ जाएगा। यहाँ नहीं करना आपको, या किसको करना है? यदि मान लिया कोई गर्भवती स्त्री है, पेट का ध्यान नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? सीधा इसको यहां यहां रखेंगे, यहां पकड़ेंगे और नीचे झुको, और यहां से देंगे झटका, यहां से झटका देंगे। या बहुत ज्यादा मोटा है कोई आदमी, तो क्या करेंगे? इसको भी अपन यहां से झटका देंगे और इसको जिंदा करने की कोशिश करेंगे, बाहर आ जाएगा। थोड़ा नीचे झुको, अब जैसे बच्चे आइए, एक साल से छोटा बच्चा है, इसको क्या करेंगे अपन? इसका जो है कुर्सी पे बैठ गए और जगह पे बैठ गए, इसकी जो है गर्दन, इसकी जो गाल है, इस गाल के ऊपर अपने दोनों उंगली लगा दीजिए आप, दोनों उंगली लगा दी और हाथ लंबा कर दीजिए, एक पैर इधर एक पैर इधर, और अपने थाई को जरा ऊंचा कर लीजिए और थाई के ऊपर इसको नीचे झुका दीजिए। झुका दिया आपने, झुकाने के बाद के अंदर क्या करेगा आप? यहाँ पर है ना, ये हाथ जो आपने सीपीआर जिसके दिया था, उसी हाथ से इसके ऊपर जोर से धक्कर दोगे आप, इसको जोर से इसको मारोगे, देवे नहीं, जितना जोर से मारोगे, यहाँ चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है, आप मारोगे तो क्या हो गया, इसके अंदर इसके सिर्फ बाहर आ जाए। अब जैसे मान लिया ऐसे भी नहीं आया, आपने क्या किया, सीधा किया, सीधा करने के बाद के अंदर गर्दन कर दिया, से सीधा कर दिया, और इसके बाद यहाँ आपने देखा, यहाँ यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने वापस इसको धक्का दिया, से जोर से धक्का दो, यहाँ से ये धक्का दिया। अब देखा इसके बाद में आ गया, रोने लग गया, मतलब समझ लिया कि उसको निकल गया, और यदि नहीं निकला तो समझ लो गया जाने, मतलब उसकी डेथ हो चुकी, तो क्या करोगे आप? इसका जो है सीधा CPR देना चालू करोगे आप, CPR देते 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 अस्पताल दौड़ो। ये हुआ इन्फेंट एक साल से छोटे बच्चे के लिए, एक साल से 12 साल तक के बच्चा, उसको कैसे करोगे? बैठ के ऊपर ये तेरी है ना, ये वाली चेस्ट यहाँ लगाएगा, कैसे? ठीक है ना, अब झुक जाए इसके ऊपर, थोड़े ऊपर पैर रख, हाँ, अब इसके बाद कर यहाँ पर वही धक्का जोरों से, जोरों से देती जाएगा, ये किससे, एक से लेकर के 12 साल तक, ये इसके लिए तरीका है, छोटे बच्चे के लिए वो तरीका है, इसके लिए बड़ों के लिए तरीका, और उसके लिए वो तरीका है। तो ये चीज़ें इसके अंदर, ये कार्डिक अरेस्ट में CPR देते हैं। एक और होता है, जैसे अब यहाँ पर हुआ था अपना मेहरानगढ़ के अंदर, जब वहाँ पर भगदड़ मच गई थी, तो भगदड़ के अंदर अभी अब जयपुर में भी हुआ था, भगदड़ मच गई, तो भगदड़ के अंदर क्या होता है, आदमी का क्या हुआ, दम घुट गया, और दम घुटने के स्थिति में क्या करेंगे अपन, क्योंकि उसकी मौत हार्ट बंद नहीं हुआ है, उसका क्या हुआ, सांस नहीं मिल रही है उसको, तो क्या करेंगे अपन, इसको वही करेंगे सीधा इसके अंदर जो है छाती आती कुछ नहीं, सीधा अपन कुछ दबाएंगे, लेकिन मुंह से सांस दे करके उसको अपन जिंदा करने की कोशिश करेंगे। क्या आप देखोगे गैस हो जाता है किसी का अंगूठी वगैरह से, तो इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी अरेस्ट, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और इसको अपन ये भी दबाएंगे ताकि मस्तिष्क में जाए, और साथ में साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ऑक्सीजन, ये आपको देनी है, और देने के बाद के अंदर आपको आगे बढ़ाना है। अभी जैसा आपने देखा CPR कहाँ दिया जाता है, किस परिस्थितियों में दिया जाता है, तो इसके बारे में अगर और भी कोई जानकारी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके लिए कोई निःशुल्क है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। फेसबुक पेज है जिस राजेंद्र तातेड़ नाम से, उस पर ये काफ़ी सारी टेक्निकल जानकारी भी है, उस पर आपका कोई सवाल भी होगा तो आप उस पर आंसर देंगे, और हमारा यही प्रयास है आप सीख कर औरों को भी सिखाएं, ताकि ये हर व्यक्ति इस बारे में CPR के बारे में पूरी जानकारी ले सके। हमारा तो प्रयास है, स्कूलों में भी हमने सिखाया है, ताकि बच्चा सीख के जाएगा तो घर पर भी हर मेंबर को वो सिखाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो किसी की जान बचाएगा, किसी का परिवार डूबने से उसको बचाएगा।
अगर आपने वीडियो देख लिया और अगर आपने CPR सीख लिया, अगर आपने CPR की सारी टेक्निक समझ ली, अगर ज़िंदगी में कभी भी आपके सामने ऐसा मौका आया जब आपको देवता बनने का या आपको फरिश्ता बनने का मौका मिलता है और आप किसी की जान बचा सकते हैं, तो नो डाउट आप किसी की जान बचा सकते हैं और किसी के परिवार में अंधेरा होने से बचा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो आप वीडियो देखने के बाद के अंदर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे जितने आपके ग्रुप में डाल सकें उसको ग्रुप में डालने की कोशिश करें, ताकि लोगों को जानकारी होने के बाद के अंदर वो लोगों को फायदा, आम लोगों को फायदा पहुंच सके और वो जो जिंदगी जिसकी उम्र 35 साल 37 साल की उम्र में जब वो कालगत हो जाते हैं तो उनकी जिंदगी को वापस ला करके पिता बेटे को और उसकी पत्नी को वापस एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो मैं मोइनुद्दीन साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस प्रकार की इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों को आमजन फायदा पहुंचाने के लिए जो ये कोशिश कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जल्दी मिलते हैं आपके साथ अगली एक स्टोरी के अंदर। बने रहिए हमारे साथ RBS1 स्टोरीज पर। धन्यवाद।